हाय, सलाम अलैकुम। हाय हामिद जी, हाय विजय जी, हाउ आर यू? सलाम अलैकुम, हाउ इज सलाम एवरीथिंग? अलैकुम। बस वालेकुम अस्सलाम, सब बढ़िया है यहाँ पर, सब बढ़िया है? सब यू बढ़िया है। ओके। मैं तो शुरू में आई वाज इंट्रोड्यूसिंग यू इन अरबिक इन माय वे टू अदर अरब ऑडियंसेस बिकॉज दे आर टू मच वेटिंग फॉर दिस लाइव सेशन टू डू विद मिस्टर विजय वर्मा हु इज नाउ। आप बहुत छा गए आजकल टीवी शोज में और सिनेमा घरों में, सो बहुत लोग आपका इंतजार कर रहे हैं यहाँ पर। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आके। आई नो आपसे मेरी बात हो रही थी, वी वर टॉकिंग फॉर सम मंथ्स नाउ टू डू दिस, फाइनली यू आर डूइंग इट। यस या फाइनली, एंड इट वाज बिकॉज यू नो दिस इज कोरोना वायरस और हमारे पास और कोई चारा नहीं है सिवाय इसके जरिए आपसे बातचीत करने का। एज लॉन्ग एज वी गेट टू टॉक। Yeah. So you prefer Vijay sir to speak with you in English or Hindi or English or Arabic I if like you it. want. I wish I knew Arabic. वैसे दो Yeah. तीन लाइन मैंने याद करके बोली है सुटेबल बॉय में, बट आई प्रिफर एनीथिंग, इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश, इट्स ऑल गुड Okay. एज फार एज आपकी ऑडियंस जो सुनना चाहती है। Yeah, okay. I will talk with you in both English and Hindi. So मेरी उर्दू थोड़ी थोटी पोटी है, फिर भी आप संभाल लेना मुझे। जी ओके विजय सर, फर्स्ट ऑफ ऑल इज इट ट्रू दैट टू बिगिन योर करियर यू आपने अपने फ्रेंड का सहारा लिया, जहां मैं जी सुना था कि आप FTII के जरिए वहां आप जाना चाहते थे, आपकी फीस आपकी फ्रेंड ने भरी थी क्योंकि आपके पेरेंट्स वो अलाउड नहीं कर रहे थे कि आप वहां जाए और वहां पे काम करे। सो आई वांट टू टेल टू द ऑडियंस FTII इट इज द फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट वेयर इन इंडिया वेयर मिस्टर विजय वाज वेंट देयर बाय हेल्प ऑफ हिज फ्रेंड। सो कैन यू टेल अस समथिंग अबाउट दिस? Yes, it's actually true. When I was doing stage and theater and other jobs in Hyderabad, trying to become an actor, I was not really encouraged by my family. So I got myself a seat in a nice premium institute, but I didn't want to ask, the fees from my parents because they would not even allow me to go for 2 years. Forget about giving me more money. And I was too ashamed to ask, because I had done various courses before and failed miserably at several jobs. So I didn't want to ask them. And so a friend of mine who is actually a very dear friend of mine, who actually runs a very successful business in Hyderabad called Karachi Bakery. Mm-hmm. It's a very popular, it's like a tourism spot in Hyderabad. It's a very old bakery. So Usmania biscuit. Usmania biscuit, fruit biscuit, everything. So he used to watch my plays and he was a very dear friend. So he said, you're good at what you're doing. I don't want you to stop yourself from going out and pursuing education and pursuing a career in this field. So he paid the fees for both the years. And a girl I was seeing at that time, now an ex-girlfriend, she used to send me monthly allowance every month when I was studying at FTII for the first few months before things got better with my family. And so, yeah, it's true. वाओ, दोस्त हो तो ऐसा हो जैसे बोलते हैं सब। आपका दोस्त ने आपके साथ ये जो काम किया, हम अल्लाह करे कि सबके पास ऐसा दोस्त रहे। जी जी एब्सोल्युटली, बहुत मुश्किल से मिलता है और मेरी किस्मत में काफी सारे अच्छे दोस्त हैं। वेरी गुड मिस्टर विजय, आपकी जो एक्सेंट मैंने सुनी है हैदराबादी एक्सेंट एंड शी इट इज वेरी नेचुरल एंड बिलीव मी, मैंने नसीरुद्दीन शाह को मैंने हीरो हिराल में वो एक्सेंट करते हुए देखा, लेकिन वैसी एक्सेंट जो आपने की थी बिल्कुल वही 100% हैदराबाद एक्सेंट इन स्पाइट ऑफ यू आर बोर्न इन तेलंगाना आई बिलीव, वहां पे तेलुगु बहुत बोलते हैं। हाँ, तेलुगु का भी चलन है बट हैदराबाद में हिंदी और हैदराबादी हिंदी का काफी बड़ा प्रेजेंस है। सो आई वाज यूज्ड टू द लैंग्वेज, आई हैड हर्ड इट इनफ टाइम्स, आई हैड फ्रेंड्स आई यूज्ड टू टॉक टू लाइक दैट, तो इसलिए मेरे लिए एक्सेसिबल था वो। बट हालांकि बहुत कंटेमिनेट हो गया था बॉम्बे में रह के जबान, बिकॉज आई फॉरगॉट द वे हैदराबादी स्पोक, सो आई हैड टू ब्रश अप माय हैदराबादी, बट अपार्ट फ्रॉम दैट इट वाजंट रियली डिफिकल्ट टू गेट द लैंग्वेज राइट। And you're right, a lot of Hyderabadi that was spoken in Hindi films was really not the right representation.
So I wanted to take it as a personal agenda to fix it. Yeah. You done it. And she and वहाँ पे मैं जब मैंने मैं चौंक गया क्योंकि मुझे मैं कई बार हैदराबाद गया वहाँ वहाँ की मैंने बिरयानी खाई उस्मानी बिस्किट और खलाखन भी खाए वहाँ के तो मैं जानता हूँ उन लोगों की भाषा उनकी अलग रहती है और उनका अंदाज़े बयान बात करने का भी बहुत ही लज्जतदार और मज़ेदार रहता है वहाँ मैंने हाँ देखी थी आपकी उस रोल में करेक्ट करेक्ट वही हुआ ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी हैदराबादी है सबको जिसने भी शी देखी है उनको अपने घर की याद आ गई जैसे आपको भी हैदराबाद की याद आ गई मुझे काफी सारे मैसेजेस आए फ्रॉम फ्रॉम अमेरिका फ्रॉम यूरोप फ्रॉम टर्की फ्रॉम आई डोंट नो ऑल अक्रॉस द ग्लोब हु पीपल हु हैड सीन शी एंड दे लाइक द हैदराबादी आपने तो मुंबई जमान में भी बाजी मार ली जैसे कि गली बॉय में या हरियाणी हुई जैसे कि मिर्जापुर में वहां भी माशाल्लाह आप बहुत अच्छे उनकी जबान खींच ली सही में हाँ ये थोड़ा सा मेरा पर्सनल से कीड़ा है टू गेट द एक्सेंट राइट ओके आई वर्क ऑन इट या तो वो क्या है वो पर्सनल वो क्या करते हैं आप जाके उन लोग के जो जबान है आसानी से आप खा लेते हो और हाँ बोल देते हो मैं कॉपी करता हूँ लोगों को वो लोग जब बात करते हैं उनको देखता हूँ सुनता हूँ रिकॉर्ड करता हूँ समझने की कोशिश करता हूँ नॉट जस्ट द लैंग्वेज समटाइम्स वेरी सिंपल मैनरिज्म्स which are very cultural or geographical specific, like some expressions are very specific to certain regions, you know, and some expressions are very, what do you call it, universal. So you have to get the specifics, not the universal. I think because you've been in theater also, and also you done so many studies in acting, so इसलिए कुछ वो easy बन जाता है copy करना या language copy करना. I think it helps because you have no other choice but to really do good in the class and you are also dedicating your couple of years to education or 3 years or 4 years in my case. So you have no other choice but to learn. And because I was not working as an actor, I was still learning. So the process of learning was very pure. It wasn't contaminated with work. बिकॉज काम करते हो तो सीखना तो होता है बट जस्ट प्योर स्टडीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी आर्ट फॉर्म ओके मुझे आप आपकी जो फिल्म आई थी पिंक 2016 आई बिलीव वहाँ कुछ लोगों ने रिकॉग्नाइज किया था ये विजय वर्मा है कुछ लोगों ने नहीं किया था क्योंकि आपकी वो एक फिल्म का इंतजार कर रहे थे जो ज्यादा आपको पुश करेंगे वो थी मोइन का किरदार जो गली बॉय में था लेकिन बिलीव मी व्हेन पीपल वॉच मोइन एंड दे रियलाइज दैट यू वर्क्ड बिफोर दे गो योर प्रीवियस वर्क लाइक इन पिंक लाइक इन योर फर्स्ट मूवी चितांग गोंग आई थिंक चितागोंग विद मनोज पापाई या व्हिच वन सो मेनी नेशनल अवार्ड्स आल्सो वहां से पब्लिक ने शुरू किया रिकॉग्नाइजिंग यू सो आपका वो सफर कैसा रहा वहां तक जहां मैं गली बॉय की बात कर रहा हूँ वहां का कैसा एक्सपीरियंस मिला और कैसा लगा आपको Yeah, you are right. Actually, before Gully Boy, I was still working here and there doing stuff. Some of it was seen by very few people. Some of it was seen widely, but my role wasn't big enough and so on and so forth. So yeah, the biggest struggle for me, I remember when I was sitting with my manager and stuff like the biggest question that she used to throw at me is like, nobody knows who's Vijay Verma, like who Vijay Verma is. We need to tell people, like we need to put a name and the face together. So that was the early... I went on for a few years, you know, but I was just happy to be going to the set and working at whatever capacity I was getting to. But I saw I saw a drastic change with Gully Boy. I saw the massive what can happen when a film becomes a massive success, you know, when a lot of people watches your film and if the work is also getting connected to the audience. So I saw like a major flip in the way people started perceiving me. That was after Gully Boy. It was very heartful for me. It was very welcoming. It was something that I was waiting for so many years. So yeah, I saw. I feel like. I can't hear you now. Okay, now it's okay. Yeah. Okay. Yeah. So. No. So.